अदम्य साहस, शौर्य गाथा, पराक्रम की जय। सर्वोच्च बलिदान, जुलाई 26, 1999। 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने पाकिस्तान को इस दिन एक बार फिर हराकर अपना लोहा मनवाया था। 60 दिन तक चले कारगिल युद्ध की कहानी शुरू होती है 1999 के मई महीने से। 3 मई से 15 मई के बीच एक चरवाहे ने भारतीय सेना को पाकिस्तानी घुसपैठियों के बारे में जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 600 से 800 पाकिस्तानी सैनिकों ने LOC पार कर लद्दाख स्थित कारगिल को कब्जा कर अपना ठिकाना बना लिया। जैसे ही ये जानकारी भारतीय सेना को मिली, 25 मई 1999 को भारतीय सेना ने अपनी टुकड़ियों को कश्मीर रवाना करना शुरू कर दिया। 26 मई को भारत ने पहली जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों पर हमला शुरू कर दिया। 31 मई 1999 को तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। इस युद्ध में 9 जून को भारतीय सेना को पहली कामयाबी मिली, जब बाल्टिक क्षेत्र की 2 अग्रिम चौकियों पर फिर से सेना ने कब्जा जमा लिया। इसके बाद 29 जून को कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम ने टाइगर हिल के पास की 2 चौकियों पर भी कब्जा जमाया। यहां से शुरू हुई टाइगर हिल को जीतने की कहानी। कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ 2 जुलाई को कारगिल पर तीनों तरफ से चढ़ाई करनी शुरू कर दी। हर दिन भारतीय सैनिक पाकिस्तान के कब्जे वाले बंकरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना पीछे की तरफ भागने लगी। भारतीय सेना ने 4 जुलाई को टाइगर हिल पर कब्जा जमा लिया और इसके बाद द्रास सेक्टर पर भारतीय सेना ने तिरंगा लहराया। टाइगर हिल पर चल रही युद्ध के दौरान ही कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया और टाइगर हिल पर देश का झंडा फहराया। युद्ध समाप्ति की घोषणा 26 जुलाई को भारत की जीत के साथ हुई। इस युद्ध में भारत के करीब 2,00,000 सैनिकों ने हिस्सा लिया, जिनमें से 527 भारतीय सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान देकर सरहद की रक्षा की। सेना की इसी शौर्य गाथा की याद में हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। वन इंडिया हिंदी परिवार भी भारतीय सेना के उन वीर सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और उन्हें सलाम करता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।